चलो आज बनाते हैं आलू से कुछ। आलू है ना सबके साथ मिलके रहता है, जैसे कि आलू पनीर, आलू गोभी, आलू मटर, आलू मेथी, तो आलू सबके साथ मिलके रहता है। तो आलू जैसे बनो, सबके साथ मिलके रहो, बी लाइक आलू। तो पहले करना क्या है, चलो पहले ये बना लेते हैं। करना क्या है, आलू लो, बॉईल कर दो, और मतलब यहाँ पर मैं एक प्लेट के लिए एक आलू ले रही हूँ। हम लोग बना रहे हैं आलू चाट या आलू चना चाट या फिर आलू दही चाट, जो भी। आलू लो, बॉईल करो, उसको पतले पतले स्लाइस में कट कर दो, यहाँ जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। मेरा तो पतला स्लाइस कट भी नहीं हो रहा है, अगर ज़्यादा बड़ा बड़ा स्लाइस आ रहा है ना तो बीच से कट कर दो, जैसे मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ वैसे। उसके बाद ना मैंने चना भिगो के रखा था रात से। चना नहीं पसंद तो मटर या मूंग, जो पसंद है वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद ना उसको थोड़ा मिक्स करो, मिक्स मिक्स मिक्स, इसको मिलाओ अच्छे से। फिर उसके बाद ना थोड़ा सा नींबू डालना, थोड़ा खट्टा लगना भी चाहिए ना, थोड़ा नींबू, थोड़ा मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। अगर चाट मसाला अच्छा लगता है तो चाट मसाला भी डाल देना, और ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो नमक की जगह पे। और फिर ना उसको थोड़ा सा मिक्स करो अच्छे से। अगर नहीं हो रहा है स्पून से नमक डालेंगे ना तो उसको अच्छे से मिक्स करना है, स्पून से नहीं हो रहा है तो हाथ से मिला लेना। और यहाँ पर थोड़ा सा प्याज काट के डाल रही हूँ मैं, ककुम्बर, टमाटो, जो अच्छा लगता है वो डाल सकते हो अपने मर्जी से। उसके बाद बहुत सारा दही ऐड करना है, दही काफ़ी हेल्दी होता है तो दही ऐड करना है बहुत सारा। और उसके ऊपर ना लाल चटनी, मीठी चटनी, या फिर इमली की चटनी, या फिर टमेटो केचप, जो अच्छा लगता है डालो, नहीं अच्छा लगता है तो स्किप कर दो, ठीक है। उसके जगह पे धनिया की चटनी वगैरह ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गुजिया या भुजिया जो बोलते हैं वो ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्याज काट के रखा था वो डाल रही हूँ, कच्चा प्याज और कच्चा बादाम ऐड कर दो, और क्या, मस्त आलू चाट इन्जॉय करो। और आलू जैसे बनो, मतलब मोटे नहीं, बस आलू जैसे, मतलब सबके साथ मिल घुल जाओ और अच्छे से रहो, और क्या, इन्जॉय करो। लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी। बाय बाय।